तो आप सभी जानते हैं किसी भी एप्लीकेशंस में हम लोग माइनिंग करते हैं तो चार पॉइंट सबसे पहले हम लोगों के वहाँ पे होते हैं कि इसका यहाँ पे केवाईसी कब होगा, एप्लीकेशन से विड्रूवल कब होगा, एप्लीकेशन लॉन्च कब होगा यानी एक तरीके से लिस्टिंग कब होगी एक्सचेंज पे, और उसके बाद इसका प्राइस क्या होगा। तो ये जो यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं इन टॉपिक्स को आप देखेंगे तो धीरे धीरे एबिब की तरफ से यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है और लगभग यहाँ पे लॉन्च भी हो चुका है। आप देखेंगे कि KYC का भी अपडेट आ चुका है, लेकिन दो अपडेट अभी भी बकाया है, एक लिस्टिंग का और दूसरा यहाँ पे टोटल सप्लाई का। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे KYC का अपडेट प्रोवाइड किया गया है और इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। एबिब की बात करते हैं तो मैंने एक पोल भी क्रिएट किया था जो मैंने टेलीग्राम पे किया था, उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो चलेंगे सीधे टॉपिक पे और यहाँ पे जो अपडेट प्रोवाइड किया गया है KYC के बारे में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसका अपडेट यानी एबिब हब का अपडेट मैंने पहले ही आप सभी को प्रोवाइड किया था और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में आप सभी को काफी सारी सर्विसेस देखने को मिल सकती हैं। तो वही इनके द्वारा एक तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। जो लोग अभी तक यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, आप चाहें तो एबिब नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। चलते हैं सीधे टॉपिक। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमें बता सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम की आपको आगे भी जरूरत पड़ने वाली है। आप देख सकते हैं एबिब की तरफ से यहाँ पे जो ये अपडेट प्रोवाइड किया गया है, कुछ ही मिनट पहले ये अपडेट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 24 अगस्त 2023 12:53 पे ये एबिब का अपडेट आया है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे हैशटैग KYC यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो हम आप सभी के सामने रखेंगे। लुकिंग बूस्ट योर प्रोफाइल क्रेडिबिलिटी एंड बिकम वन स्टेप क्लोज टुवर्ड KYC। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक और अपडेट प्रोवाइड किया गया था इनकी तरफ से, उसके ऊपर आप सभी को लेके चलेंगे, उसके बाद ही इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ ही दिन पहले यानी 2 से 3 दिन पहले ही इनकी तरफ से एक अपडेट प्रोवाइड किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपडेट आया था 21 अगस्त को और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया था कमिंग सून, स्टे ट्यून फॉर द रिवील। यहाँ पे आप देखेंगे एबिब हब कमिंग सून, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि काफी सारी सर्विसेज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं एबिब हब पे। तो इसी के रिगार्डिंग ये अपडेट यहाँ पे दिया गया है और इसमें कहा गया है कि आप सभी जो यहाँ पे माइनिंग वगैरह कर रहे हैं उसके लिए हमने एबिब हब यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये आप सभी के सामने है, एबिब हब इज कमिंग। तो यहाँ पे ये एबिब हब लॉन्च करेंगे, उसके बाद में इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एबिब हब में हम काफी सारी ऐसी आप सभी के लिए चीजें रखने वाले हैं जिनको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप KYC के लिए एक और कदम आगे बढ़ जाएंगे, यानी सबसे पहले आपका यहाँ पे KYC किया जाएगा। तो एबिब हब में ऐसा क्या होगा जिससे थ्रू आपकी KYC की जाएगी, ये तो देखना रहेगा। अभी तक इसका अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे कुछ ही समय में एबिब हब यहाँ पे लॉन्च होने वाला है जिससे आप सभी का यहाँ पे KYC कंप्लीट होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन किए गए हैं, तो इनके द्वारा पूछा गया था कि क्या आप यहाँ पे तैयार हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं एबिब हब के रिगार्डिंग। तक ये एबिब हब यहाँ पे नहीं आता है तब तक ये स्पष्ट नहीं होगा कि कैसे हम ये स्टेप कंप्लीट करके KYC कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि KYC यहाँ पे एक तरीके से होगा ही होगा, ये सबको मैंने बताया भी था। लेकिन यहाँ पे ज्यादा कोई आप देखेंगे डॉक्यूमेंट है वो आपसे नहीं लिए जाएंगे, नॉर्मल तरीके से यहाँ पे KYC किया जाएगा। और इसका अपडेट आप देखेंगे तो इनके व्हाइट पेपर में भी रोड मैप में भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है और इसका मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अपडेट इनके द्वारा प्रोवाइड किए गए थे, ये आप यहाँ पे देखेंगे 4 हैं यानी 4 सब ट्वीट किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिड यू नो एबिब होस्ट एंड वर्ल्ड मॉस एक्स एंड डिसेंट्रलाइज यूनिवर्स बेसिक इनकम, यानी UBI इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये आप सभी के लिए बेसिक इनकम होने वाला है। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे ट्वीट किए गए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनमें बताया गया था करेंसी यूनिवर्सल बेसिक इनकम सिम्बलाइज इंप्रूवमेंट, तो इसको हमने काफी सारी वीडियोज में पहले भी कवर किया है जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, इसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। लेकिन अब आपको लेकर के चलते हैं टेलीग्राम पे और आपको अपडेट प्रोवाइड करते हैं। पोल क्रिएट किया था और इस पोल में आप सभी से पूछा था कि एबिब कॉइन का प्राइस क्या हो सकता है, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ पे वोट किया है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 674 यानी 674 लोगों ने इस पे वोट किया था और इसमें सबसे ज्यादा वोट 29% किया है, 0.01 यानी लगभग आप देखेंगे 0.01 सबसे ज्यादा लोगों ने बताया है, 29% लोगों ने। सेकंड नंबर पे आता है $1, यहाँ पे आप देख सकते हैं
हैं, यानी इसमें 26% लोगों ने कहा है कि इतना प्राइस रह सकता है। उसके बाद 18% लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा है कि लगभग 0.1 रह सकता है, और उसके बाद 18% लोगों ने फिर यहाँ पे कहा है कि 0.5 यहाँ पे रह सकता है। साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। और अब हम आपको एक बेस्ट एयरड्रॉप की रिगार्डिंग लेकर के चलेंगे। ये एयरड्रॉप है, इसका लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया है, और ये एक तरीके से अक्रम की तरह है। अगर आपने अक्रम मिस कर दिया है तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोरे वेट लिस्ट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इस पर क्लिक करना है लिंक पे। उसके बाद आपको अपना डेस्कटॉप ब्राउजर ओपन कर लेना है, यानी जो ब्राउजर है उसको डेस्कटॉप मोड में यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और हमारा जो यहाँ पे ब्राउजर है वो हम डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेंगे। डेस्कटॉप मोड में ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, देख सकते हैं ये आपको डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन मिल जाता है, इसी पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिखाता भी है कि लोरे जो है ये मोबाइल फोन के रिगार्डिंग जल्दी आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है वो आप समझिए। इस एयरड्रॉप में ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम डाल देना है अपना यहाँ पे, उसके बाद सेकेंड नेम डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल डाल देनी है, और जो आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम है वही अगर आपका नहीं है, कुछ और नेम में नहीं जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे वही डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंड वेरिफिकेशन कोड पे आपको क्लिक करना है, आपके पास एक कोड चला जाता है। तो फटाफट से ये डिटेल हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद आपके पास आई एम नॉट रोबोट ये वाला ऑप्शन आ जाता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे आपको क्लिक करना रहेगा। उससे पहले आपको कैप्चा यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट शो हो रहा है, फटाफट से ट्रैफिक लाइट यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, सेंड वेरिफिकेशन कोड पे हमने क्लिक कर दिया है। आपके ईमेल पे कोड जा चुका है, वो कोड आपको यहाँ पे डालना रहेगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फटाफट से ओटीपी भी यहाँ पे हम डाल देते हैं, देख सकते हैं ओटीपी हमारे पास आ चुका है। इसी ओटीपी को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और वेबसाइट पे हम फिल कर देंगे। सही ओटीपी फिल करते हैं, उसके बाद साइनअप का ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो साइनअप पे हम क्लिक कर देंगे, ये आपका अकाउंट बनके यहाँ पे तैयार हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अभी कोई नया अपडेट निकल के नहीं आया है, जैसे ही यहाँ पे आता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे इनकी जो वेबसाइट है उसको हम दिखाना चाहेंगे आपको, क्योंकि काफी सारी यहाँ पे चीजें जो है वो आपको यहाँ पे शो करती है। जैसे आपके वॉलेट एड्रेस कोई है जिसमें आपका कोई फंड पड़ा हुआ है तो उसको लाकर के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो इनकी तरफ से इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है। तो यहाँ पे आपको ओनली क्या करना है कि कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे ट्रेडर कर लेता हूं मैं, यहाँ पे मैंने ट्रेडर कर दिया। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे मैं इसी पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप कुछ और सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ और पसंद है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन वॉल्यूम आप देख सकते हैं किस तरीके से अप डाउन होता है, वो यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे अगर आपका भी वॉलेट एड्रेस है तो आप भी उसको चेक कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इनकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप फ्रेंड वगैरह को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यानी एक तरीके से रेफर कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला रेफर फ्रेंड। तो इसी से आप यहाँ पे जो भी लिंक है उसको आप कॉपी करके यहाँ पे सेंड कर पाएंगे। और ये जो यहाँ पे वेबसाइट है आप देखेंगे इसमें कुछ टास्क भी ऐड किए जाएंगे जल्द ही, उसके बाद उन टास्क को आप कंप्लीट करके कुछ पॉइंट वगैरह अर्न कर पाएंगे। अब आप सभी के इसके रिगार्डिंग कोई डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो आप हमें बता सकते हैं। आप सभी के सामने पूरे स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और एप्लीकेशन में जल्द आपको KYC देखने को मिल सकता है ऐप में। अब यहाँ पे किस तरीके से ये जो ऐप हब आएगा उसके बाद यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन होंगे, उसको आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, उसकी डिटेल हम जल्द ही आप सभी के साथ शेयर करेंगे जैसे ये लॉन्च किया जाता है। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे कोई गलती हो जाती है छोटा भाई समझ के माफ कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। किसी अदर टॉपिक पे फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर